SW24 न्यूज चैनल के तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं पवन कुशवाहा, हमारे खास कार्यक्रम फैसला हम करेंगे। मध्य प्रदेश सहित अन्य 5 राज्यों में भी चुनाव की गहमा गहमी अभी बरकरार है। कुछ ही घंटों के बाद में यह फैसला हो जाएगा कि मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में प्रदेश की जनता का भविष्य कौन सी सत्ता, कौन सी पार्टी तय करेगी। लेकिन हम हमारे आज के कार्यक्रम में बात करेंगे मध्य प्रदेश की। कुछ ही घंटों के बाद में यह परिणाम आ जाएगा कि मध्य प्रदेश की सत्ता जिस दल के पास थी, भारतीय जनता पार्टी के पास जाएगी या फिर इस सत्ता पर कांग्रेस काबिज होगी। इन सारी गहमा गहमियों के बीच चुनाव के पहले एक बड़ा विश्लेषण तय किया था मीडिया ने। मीडिया ये बार बार बता रही थी कि इस प्रदेश में कांटे की टक्कर होने वाली है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच। लेकिन जैसे जैसे चुनाव खत्म हुआ और फैसले का इंतजार होने लगा है, एग्जिट पोल ने भी अपने आंकड़े और अपने अनुमान और अपने दावे क्लियर कर दिए हैं कि कौन सी सत्ता इस प्रदेश की सत्ता पर काबिज होगी। लेकिन आज हमारे साथ स्टूडियो में दो वरिष्ठ लोग हैं जो इस विशेष चर्चा को आगे ले जाएंगे और बताएंगे कि आज जब एग्जिट पोल मध्य प्रदेश में क्लियर हो चुका है, बड़े बड़े समाचार चैनलों ने भी यह क्लियर कर दिया है कि कौन से दल को सत्ता मिलने वाली है, लेकिन हमारे स्टूडियो में बैठे हुए वरिष्ठ विश्लेषकों का क्या कहना है, इस पर हम नजर डालेंगे। हमारे साथ है वरिष्ठ और प्रसिद्ध फोटोग्राफर संतोष गुप्ता, जो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव है और साथ है करीब करीब 25 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना नाम कर चुके अनवर जिद्रान जी। आप दोनों महानुभावों का स्वागत है स्टूडियो में। सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है जो बारीक सी चीजों को देखते हैं, मीडिया में बने रहते हैं, लोगों तक वो खबरें भी पहुंचाते हैं जो अंदर दबी रहती है, जो पर्दे के पीछे रहती है, ऐसी खबरों को निकाल कर दर्शकों को बीच लाते हैं। ऐसे पत्रकार अनवर जी से सबसे पहला सवाल पूछना चाहूंगा। सर, जो एग्जिट पोल आए हैं, एग्जिट पोल ने लगभग ये तय कर दिया है कि भाजपा करीब करीब 140 सीट के आसपास की सीटें जीत रही है, आपका क्या कहना है? पवन जी, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा। एग्जिट पोल अलग अलग चैनलों के हैं, सभी के अलग अलग अनुमान उन्होंने बताए हैं, लेकिन एग्जिट पोल परिणाम में बदलना ये तो कल तय हो जाएगा कि एग्जिट पोल का अनुमान सही बैठा गलत। हमने अभी देखा है, पिछले चुनाव में भी, कर्नाटक के अंदर भी देखा है, पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में देखा है, एग्जिट पोल एकदम 100% सत्य कभी साबित नहीं हुए हैं। और एग्जिट पोल जो अनुमान लगाते हैं वो कुछ प्रतिशत लोगों से बात करके, मतदाताओं से बात करके लगाते हैं। अब वो जब अनुमान लगाते हैं, जो जिस चैनल लोग देखते हैं, जब दर्शक देखते हैं चैनल, तो दर्शक को पता होता है कि ये चैनल का रुझान किस तरफ है, इनके समाचारों से अंदाज लगा लेते हैं। जब उस चैनल का संवाददाता जाता है तो उसके मन भाव को पढ़ के मतदाता उसके हिसाब से अपना उसको जवाब देते हैं। तो इस कारण अधिकतर एग्जिट पोल हमेशा 100% कभी सत्य हुए नहीं है। और रही बात अभी मध्य प्रदेश की, जो एग्जिट पोल में बताया है, तो कुछ एग्जिट पोल हैं जो कांग्रेस को बता रहे हैं, कुछ बीजेपी को बता रहे हैं। तो हमारा अनुमान तो अभी ये है कि जो शिवराज जी की योजना थी मध्य प्रदेश के अंदर, पिछले 5 सालों के अंदर अगर देखा जाए तो जो सरकार की योजनाएं होती है वो तो चलती चलती है, लेकिन जो लाडली बहना का भी, जो उन्होंने 2-3 महीने पहले लाडली बहनाओं को जो उन्होंने फायदा पहुंचाया है 1000 से 1250 रुपए करे हैं, तो इस योजना का लाभ तो शिवराज जी को बराबर मिलना है। लेकिन उसके अंदर एक बात यह भी है कि जो कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार रही, उस 15 महीने की सरकार में जो बिजली के बिलों से लोगों को फायदा पहुंचा, देश का, प्रदेश की जनता को, जिसका 1500 का बिल आता था वो मात्र 100 रुपए भुगतान कर रहा है, तो 1400 का तो उसको हर महीने फायदा हो रहा है।
और ये कमलनाथ जी की सरकार जाने के बाद भी शिवराज जी की सरकार उस योजना को बदल नहीं पाई, वो योजना चल रही है। तो अगर ऐसा अनुमान लगाएं तो 1400 रुपये महीने से 5 साल का इतना फायदा जनता को मिल चुका है, और लाडली बहना का जो 1200 रुपया ये मात्र अभी सिर्फ 3 महीने का मिला है। तो कहीं ना कहीं मतदाता सोचता है लंबे समय से ज्यादा फायदा क्या है, तो लाडली बहना और 100 रुपये बिजली वाली जो योजना है, कहीं ना कहीं मतदाता इसको भी देखता है और इसका बहुत फर्क पड़ता है। अगर लाडली योजना का फायदा मिलेगा तो 100 रुपये वाला शिवराज जी कमलनाथ जी वाला फायदा भी कहीं ना कहीं इस चुनाव में देखने को मिलेगा। तो अभी हम कुछ कुल मिला के यही कह सकते हैं कि परिणाम आने वाले हैं और एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं किया जाए, और किया भी जाए तो प्रदेश के अंदर स्थिति ये है कि कभी कांग्रेस आगे है, भाजपा आगे है। कुल मिला के अगर अपन देखें और पूरा अपन विश्लेषण यहाँ करें तो दोनों में कांटे का मुकाबला है इस बार, और किसी भी करवट ऊंट बैठ सकता है। पवन जी, जी बिल्कुल सही कहा आपने। चुनाव की जब गहमा गहमी थी, चुनाव जब शुरू में ही जब तारीखें तय हुई थी, तब से ही सभी विश्लेषकों का ऐसा ही अनुमान था कि मध्य प्रदेश में बिल्कुल कांटे की टक्कर होगी, और जब तक चुनाव हुआ, आखिरी मतदान हुआ, तब तक ये कांटे की टक्कर बनी हुई थी। लेकिन जब से एग्जिट पोल आए हैं, 30 तारीख की शाम से जब से एग्जिट पोल आए हैं, उठ एक ही करवट बैठा है। लगभग जो प्रसिद्ध समाचार चैनल है या प्रसिद्ध विश्लेषक है, उनका ये अनुमान है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की वापसी हो रही है। लेकिन आपने मिली जुली प्रक्रिया दी है, आपका धन्यवाद अनवर जी। मैं एक छोटा सा सवाल लेकर संतोष जी के पास चलूंगा। संतोष जी, आप सोशल मीडिया के लिए बहुत एक्टिव है, आप वरिष्ठ और प्रसिद्ध फोटोग्राफर है, आप राजनीतिक विश्लेषक भी है, आपका क्या अनुमान है, क्या लगता है आपको कि आपकी सोशल मीडिया अनुभव क्या कहती है कि एग्जिट पोल सही है या अनुमान अभी अटकलों में ही है? पवन जी, मेरा कहना यह है कि 2018 में जो मध्य प्रदेश के जो निवासी थे उन्होंने जो वोट दिया था कांग्रेस को दिया था जी, किंतु ज्योतिराज सिंधिया के कारण जो बदलाव हुआ और शिवराज सिंह पुनः मुख्यमंत्री बने, तो उस वक्त के जो मतदाता थे उनको ऐसा लगा कि हमारे साथ छल हुआ है, क्योंकि वो लोग तो चाहते ही नहीं थे भारतीय जनता पार्टी को। मैंने जो सोशल मीडिया पे एक बार पुष्पेंद्र जी की एक पोस्ट देखी थी, उन्होंने अपनी बात में ये कहा कि 2018 में जो मौका मिला शिवराज जी को पुनः, जबकि वो सत्ता से दूर हो चुके थे जी, उसके बाद उनका जो कार्यकाल पूरा खत्म हुआ जी, ऐसा कोई काम वो कर नहीं पाए जिससे मतदाता पुनः उनके प्रति आकर्षित हो। जैसा कि यदि अपन खरगोन के हिसाब से चले तो जो कारम डैम का जो मामला हुआ, 300 करोड़ में ठेका दिया था मध्य प्रदेश सरकार ने दिल्ली की, वो भी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को। मुझे याद है ये पोस्ट सबसे पहले मैंने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर डाली, और जब 5 दिन तक मीडिया में ये खबर नहीं आई तो मुझे भी चिंता होने लगी कि ये खबर क्यों नहीं आ रही है। आखिर सत्य सामने आया, मीडिया ने बहुत कोशिश करी उस कारम डैम के मामले को दबाने की, बाकी सारी स्थिति क्लियर हुई कि जिस कंपनी को ठेका दिया था वो ब्लैक टीशर्ट कंपनी थी, उसके बाद उस कंपनी ने दूसरे को दिया, फिर उसको दूसरे ने दिया। गांव वाले ने एक मोबाइल से जो मिट्टी जो खसकी डैम से उसका वीडियो बनाया, सीएम हेल्पलाइन पे डाला। तो ये कुछ बातें जब मीडिया में आती है तो मतदाता पे उसका बहुत फर्क पड़ता है पवन जी। और मेरा ये सोचना है, जब जब मैंने खरगोन छोड़ा और मैं खरगोन से जब जब भी बाहर गया, इधर आप क्षेत्र में जाओ तो गुना क्षेत्र में मैं गया, गुना के बाद इंदौर क्षेत्र में गया, और भी जहां जहां मैं गया तो मैं हमेशा फीडबैक लेता था आम आदमियों का। तो उनका जो है ना शिवराज सरकार के प्रति विरोध इसलिए था कि जो भ्रष्टाचार जो हो रहा था, और जिस प्रकार भ्रष्टाचार की जो खबरें मीडिया में आ रही थी, कारम डैम के बाद एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ आयुष्मान योजना में, जिसमें नकली लोगों को अस्पताल वालों ने भर्ती किया, उनका आधार कार्ड सिग्नेचर के आधार पे सरकार को उन्होंने जो भेजा बिल कि ये पेमेंट हमको इसमें मरीज में लगा है, उसका खुलासा हुआ। इसके बाद अपने ठीक पास इंदौर शहर में जो गवर्नमेंट पैसा भेजती है आम व्यक्ति को, वो पैसा गवर्नमेंट के अकाउंट से तो निकल गया,
ना तो वो आम आदमी को पहुंचा, वो बीच में रहेगा। उस बीच के 6 करोड़ रुपए को इंदौर के कलेक्टर ऑफिस का एक कर्मचारी अपनी पत्नी के खाते में डाल देता है। ये जब खबरें मीडिया में आती है, जब एक पढ़ा लिखा आदमी सोशल मीडिया पे ये पढ़ता है, अखबारों में पढ़ता है, तो उसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है मतदाता पे। और मेरा जो ख्याल है, निश्चित रूप से इन सब बातों के लिए मतदाता ने अपना मत को परिवर्तन किया होगा। जैसा कि अनवर जी ने बताया लाडली लक्ष्मी योजना का, शिवराज सिंह खुद कहते हैं कि 6 महीने पहले उनको रात में ऐसा लगा और नर्मदा जयंती के दिन उन्होंने जो ये घोषणा कर दी कि मेरी बहनों को पैसे। देखो साहब, आप नर्मदा जी का नाम लो या नींद वाला कुछ अपना कल्पना करो, आम आदमी नेताओं को सब समझने लगा है। ये निश्चित रूप से आम आदमी समझ गया है कि ये जो पैसा दिया जा रहा है महिलाओं को, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश का जो गणित है, अगर वोटों का जो भी कैलकुलेशन है, उसमें 50% जो मतदाता है वो महिला है। बहुत ही सोच समझ के रणनीति राजनीति के तहत ये प्लानिंग किया गया कि अब अपने पास एक आसरा बचा है महिलाओं का। महिलाएं बहुत भोली होती है साहब, और इस अगर योजना को प्रारूप दिया जाए, उन्होंने मुख्य सचिव को ये योजना भेजी, मुख्य सचिव ने उसको योजना को हरी झंडी दी और तुरंत जो है शिवराज सिंह ने ये लागू की। क्यों? कि चुनाव पास में आ रहा था, उनको लगने लगा था कि शायद अगली बार जो सत्ता अपने हाथ से फिसल रही है। ये जो महिलाओं को पैसा मिला, निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आखिर पैसा बहुत बड़ी चीज होती है। जब अपने खाते में पैसा आता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को उसका फायदा मिलेगा। किंतु बीजेपी का जो समय, जो काल लंबा हुआ है 18 से 20 सालों का, उसके बावजूद मध्य प्रदेश का जो विकास होना था, उस विकास के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिलेंगे। और मैंने जितना भी सर्वेक्षण किया और जितना भी जो अनुभव किया, उस अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर निश्चित रूप से कम होगा। और यह बात तो सारी जब क्लियर हो गई जब मोदी जी खुद आए और उन्होंने बोला एमपी के मन में मोदी। क्यों साहब, आपको एमपी के मन में मोदी करने की क्या जरूरत थी? क्यों कि केंद्र को भी महसूस हो गया था कि जिस प्रकार से सीएम हेल्पलाइन पीएमओ सरकार में जो कंप्लेन आ रही है और जिस प्रकार से जो भ्रष्टाचार की जो खबरें आ रही है, जिस प्रकार के जो एक केंद्र में मोदी जी तो बहुत ईमानदार है साहब, वहां की टीम बहुत अच्छी है, किंतु जो नीचे का जो नेता है वो अपने काम को ईमानदारी से नहीं कर रहा है। और जिस प्रकार से मोदी जी वहां से जो पेमेंट भेजते थे करोड़ों अरबों रुपए का, और ठेकेदारों से जो कमीशन वाला मामला जब सूत्रों के माध्यम से, किसी भी माध्यम से जब आम आदमी को मालूम पड़ा, मतदाताओं को मालूम पड़ा कि इसमें ऐसा होता है, तो निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट जाएगा। अब रही बात एग्जिट पोल की, एग्जिट पोल सही है या नहीं, इस बारे में भी अभी मैंने काफी हिंदुस्तान के बड़े बड़े पत्रकारों के मैंने उनके विचार सुने और उनका कहना यह पड़ा कि इसके पीछे भी एक लॉबी काम कर रही है कि आपको इस टाइप से जनता को बताना है। तो साहब, अभी जो देश की स्थिति है, पूरा जो मीडिया है, पूरा जो प्रशासन है, ये जो धन बल है, मुझे याद है मोदी जी ने 2014 में सबसे पहले ये बात कही थी कि पैसा एक ऐसी चीज है जो विश्व के कुछ लोगों के पास ही है और विश्व के लोग पैसे के बल पे कुछ भी डिसीजन को परिवर्तन कर सकते हैं। तो मेरा कहना यह है कि जो एग्जिट पोल पे पूरा विश्वास न किया जाए, और मेरा जो आकलन है उस आकलन में तो निश्चित रूप से कमलनाथ जी वापसी करेंगे। क्यों कि मतदाता को मालूम था कि हमने तो 2018 में कांग्रेस को वोट दिया था, कांग्रेस किसी कारण पर शासन नहीं कर पाई, तो एक हमदर्दी भी है उनकी। और एक जो बदलाव वाला जो मामला है, एक बुद्धिजीवी वर्ग भी भारतीय जनता पार्टी से दूर हुआ है साहब, क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग का हमेशा सोचना था कि भारतीय जनता पार्टी है कैसी पार्टी है जो देश में एक अच्छा काम कर सकती है। कांग्रेस के ऊपर आजादी के बाद बहुत सारे आरोप लगे थे, किंतु भारतीय जनता पार्टी ने भी वही करना शुरू किया जो कांग्रेस सरकार पर आरोप थे। तो इसलिए एक बुद्धिजीवी वर्ग भी बहुत छिटका है। और मेरा जहां तक ख्याल है, एग्जिट पोल को हम लोग ज्यादा ध्यान न दें और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी।
पवन जी। बहुत बहुत बड़ी बात कही है संतोष जी आपने कि जो आरोप जो प्रत्यारोप राजनीतिक रूप से कांग्रेस पर लगते थे वही भारतीय जनता पार्टी पर भी लग रहे हैं, यानी सारे नेता एक जैसे ही है। लेकिन आपके इस सवाल को जस का तस रखते हुए मैं अगला सवाल अनवर जी के पास लेकर चलता हूं। अनवर जी, आपने भी मिली जुली प्रक्रिया दी है और आपने भी कहा है कि एग्जिट पोल 100% सही नहीं होते हैं और कुछ कुछ जगहों पे होते भी है, लेकिन आपसे मेरा एक सवाल है कि एकाएक मध्य प्रदेश के साथ साथ खरगोन जिले की सभी विधानसभा सीटों पर मतदान प्रतिशत अचानक से बढ़ गया है। कहीं 60% था पिछले चुनाव में, 65 था, 70 था, 75 था, और इस बार हम देख रहे हैं 77, 80, 83, 85 के आसपास कहीं विधानसभाओं में चला गया है। ये मतदाताओं का जुनून है कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, या फिर एक आक्रोश है कि सत्ता पर काबिज जो दल है उसको हम उखाड़ फेंकेंगे, क्या मत है आपका? पवन जी, जैसा अभी तक हमने देखा है पिछले चुनाव में, जब जब वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है तो उसमें मतदाताओं का आक्रोश सामने आया है। इसके जो परिणाम आते हैं उस चुनाव के बाद में, जब मतदाता सरकार से नाराज होता है, सरकार के खिलाफ आक्रोशित होता है, तो घर से निकल के अपना मत देता है सरकार के खिलाफ। तो अभी हमने देखा कि जो कहीं पर 77%, कहीं 80% वोटिंग हुआ है, ये कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है, और अपने मत के जरिए उन्होंने अपना ये गुस्से का इजहार किया है। पूरे जिले के अंदर अपन देखें तो खरगोन में भी लगभग 80% के लगभग मतदान हुआ है, कसरावाद में लगभग 85% गया है, तो ये अधिकतर सरकार के खिलाफ जाता है। पवन जी, जी बिल्कुल आपने स्पष्ट अपना मत जाहिर किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से जब जब हमारी चर्चा होती है और मीडिया में भी हम देखते हैं, तो ये चीज सामने आती है कि शिवराज सिंह चौहान की ऐसी योजनाएं हैं कि जब बालक जन्म लेता है वहां से उनकी योजनाएं शुरू होती है, और आदमी जब मृत्युशैया पर जाता है तब तक उनकी योजनाओं का लाभ कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता को मिल रहा है। तो उन योजनाओं का क्या लाभ नहीं मिल रहा है सरकार को? क्या उन योजनाओं का फायदा इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा? अनवर जी, पवन जी, जहां आपने भी बात करी शासन की योजनाओं की कि जन्म से लेकर मृत्यु तक का फायदा मिल रहा है, अगर इतना ही फायदा मिलता है जनता को तो प्रति मंगलवार जनसुनवाई की क्या आवश्यकता है? अगर जनता खुश है, सबको फायदा मिल रहा है, सबके काम हो रहे हैं, तो क्यों कलेक्टर ऑफिस में प्रति मंगलवार इतनी लंबी लंबी लाइनें लगती है समस्याओं को लेके? ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आते हैं, शहर से आते हैं, मोहल्ले वार्ड से आते हैं, सबकी समस्या है। अगर समस्या का समाधान हो जाता तो कोई वहां जाता ही नहीं, कहीं ना कहीं तो नाराजगी है, लोगों का काम नहीं हो रहा है, इसके कारण इनको ये प्रति मंगलवार जनसुनवाई है, सीएम हेल्पलाइन है। सीएम हेल्पलाइन के तो ये हालात हैं अभी कि वहां नंबर नहीं लगते, और जिनकी शिकायत है वही पेंडिंग पड़ी है, और वो कागजों में कर देते कि होगी शिकायत, आपका समाधान हो गया, जबकि होता ही नहीं है। तो नाराजगी है, सरकार के खिलाफ भी है, राजनेताओं के खिलाफ भी है, और ये हमने चुनाव में देखा है जो मत प्रतिशत बढ़ा है, ये कहीं ना कहीं सरकार को बड़ा नुकसान देने वाला है। जी संतोष जी से अगला सवाल करूंगा मैं। निमाड़ मध्यवर्गीय परिवार, पिछड़े परिवार, आदिवासी बाहुल्य और किसान क्षेत्रों का निमाड़ रेन का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में शिवराज सरकार ने किसानों के लिए महती योजनाएं चलाई है, कहीं नहरों का जाल बिछाया है, तो कहीं सब्सिडी के माध्यम से 0% पर ब्याज, 0% ब्याज दर पर सोसाइटियों से किसानों को पैसा मिल रहा है, खाद बीज मिल रहा है। इन योजनाओं का भी शिवराज सरकार को फायदा नहीं मिलेगा क्या इस चुनाव में? देखिए, योजनाएं और जो भी अगर सरकार लाभ देती है आम व्यक्ति को, तो वो तो उसका नैतिक कर्तव्य है सरकार का, देना ही चाहिए। सरकार बनाई ही इसलिए कि आपको देश और समाज के भले के लिए काम करना है। किंतु जब गांव में ये स्थिति होती है कि गांव के किसान को वो फायदा नहीं मिलता जितना वो जब चाहता है, तो निश्चित रूप से गांव का व्यक्ति भी सरकार के खिलाफ होता है। और जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो ज्ञान का विकास हो रहा है, एक समय था जब भारत में बहुत अशिक्षा थी और भारत के जो ग्रामीणवासी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे,
आज मुझे आश्चर्य होता है कि छोटा सा गांव वाला व्यक्ति भी मोबाइल से यूपीआई पेमेंट करता है, तो उसको सारी स्थिति मालूम है कि सरकार ने उसे क्या क्या मदद करना चाहिए और क्या क्या मदद कर सकती है। और जिस प्रकार से जो जनप्रतिनिधि हैं, केवल जब चुनाव होते हैं उसी वक्त वे आते हैं और उसके बाद में बिल्कुल भी नहीं आते, ये सारी चीजों का ग्रामवासियों पे बहुत प्रभाव पड़ा है वर्षों से। और अब धीरे धीरे वो इस बात को समझने लगे हैं कि वास्तव में जो राजनीति में ये जो लोग हैं, ये जो चुनाव के समय हमारे पास आते हैं और हमें सब्जेबाग दिखाते हैं, वास्तव में अच्छा कौन है और बुरा कौन है, इसका डिसीजन मतदाता स्वयं करने लगा है। पहले किसी के कहने पर वो वोट डालता था, बाकी अब स्थिति ऐसी नहीं है, उसका विवेक जागृत हो चुका है, वो बुद्धिमान हो गया है, इसलिए मत किसको देना वो डिसीजन खुद करता है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो एग्जिट पोल वाले कह रहे हैं कि हम जब मत दे के आता है उससे हम पूछते हैं, तो क्या ये जरूरी है साहब कि उसने जिसमें वोट दिया है उसने आपको वही बोला है? वो भी इस बात को समझता है कि ये गोपनीय चीज है, उसको नहीं बताना चाहिए। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि ग्रामीण वाला जो एरिया है उसमें समझदारी बढ़ी है, और समझदारी बढ़ने का जो लाभ सबसे ज्यादा उस नेता को ही मिलेगा जिसने अपना काम ईमानदारी से किया है। अगर जिस पार्टी के नेताओं ने यदि ग्रामीण क्षेत्र की, किसानों की, गरीब लोगों की अनदेखी की है, तो निश्चित रूप से वे लोग उनके खिलाफ ही मतदान करेंगे। संतोष जी, मध्य प्रदेश की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत बड़ा नाम है। कुछ वक्त पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हुआ करते थे, मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में से एक थे, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां कुछ ऐसी बदली कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी का साथ भाग गया और उनको भारतीय जनता पार्टी में जाना पड़ा। इस बड़े फैक्टर का भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा या फायदा होगा? वो अपने साथ विधायक भी लेकर गए थे, एक बड़ा कुनमा लेकर उन्होंने पार्टी छोड़ी थी, जिसका उस समय तत्कालिक कांग्रेस को नुकसान हुआ था। लेकिन आज के चुनाव में क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया का भाजपा में आना भाजपा को फायदा पहुंचाएगा या नुकसान? ज्योतिरादित्य सिंधिया का तो केवल जब वो आए 15 महीने बाद, और उसके बाद ये सरकार अभी जो समाप्त हुई, बस इतना ही फायदा मिला भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उसका कर्तव्य किया, पूरा किया। उनके जो पिता माधव सिंधिया थे नागरिक उड्डयन मंत्री, उनको उन्होंने केंद्र में स्थान दे दिया, दोनों हिसाब बराबर हो गए साहब। आपने हमारी सरकार बनी, हमने आपको आपके पिताजी का जो सम्मान था जो कांग्रेस ने नहीं दिया था उस सम्मान के उन पे बिठा दिया। रही बात उसके बाद की, तो उसके बाद का रोल तो शिवराज सरकार का है ना साहब, उन्होंने उनका कर्तव्य पूरा करा। और वो क्यों हटे? क्योंकि उनकी पार्टी ने उनके साथ धोखा किया। जिस प्रकार राजस्थान में और मध्य प्रदेश में जो युवा चेहरों को आगे करके कांग्रेस ने युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करके वोट लिए, और जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो दोनों बूढ़े बैठ गए साहब, कमलनाथ और गहलोत जी। यही बात दोनों युवाओं को अच्छी नहीं लगी, और डिसीजन लेने में ज्योतिराज सिंधिया ज्यादा सक्षम रहे। उन्होंने इस बात को समझा कि जो है पार्टी ने हमारे साथ गलत किया, और उन्होंने तुरंत अपने विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में होने का फैसला किया। किंतु उसके बाद जब उन्होंने बागडोर सौंप दी भारतीय जनता पार्टी को, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बन गए, तो सारी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की है, उसमें अब ज्योतिराज सिंधिया का तो कोई रोल ही नहीं बचता था। आप अगर ने अच्छा काम किया है तो निश्चित रूप से आपको वोटर वोट देंगे, और अगर आपने अच्छा काम नहीं किया है तो निश्चित रूप से आपकी सरकार के विपरीत हो जाएगा। जी, स्पष्ट तौर पर संतोष जी ने ये बता दिया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहीं से कहीं तक फायदा भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में नहीं होगा। जो फायदा होना था वो तत्कालिक हो चुका है। अगले सवाल के लिए हम चलते हैं। अनवर जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, लंबे समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका नाम है, आप पत्रकार पर्दे के पीछे की भी बातें जानकर दर्शकों के सामने ले आते हैं, लोगों को जनता के बीच में वो चीजें भी ले आते हैं जो आम आदमी की पहुंच में नहीं रहती है। एग्जिट पोल किस आधार पर होते हैं, कैसे इनके सर्वे होते हैं, कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, मतदान
के समय मतदाता की प्रक्रिया क्या रहती है, ये सारी चीजों को देखते हुए एग्जिट पोल तैयार होते हैं। आप एग्जिट पोल को कितना सही मानते हो? आप भी इस फील्ड से हो, आप भी एक वरिष्ठ पत्रकार हो, क्या बड़े बड़े न्यूज चैनल, बड़े बड़े समाचार पत्रों ने एक बड़ा मैंडेट दिया है प्रचंड बहुमत के साथ विजय श्री यदि भारतीय जनता पार्टी को हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं हम यदि इस क्षेत्र से जुड़े हैं तो हमारा मत क्या है, आप क्या कहेंगे? पवन जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका ये, आपने जो एग्जिट पोल को लेकर सवाल किया है। इसके अंदर अभी हम देखें तो बड़े बड़े मीडिया घराने जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के प्रभाव में है, और राजनीतिक दल अभी जो सत्ता में है उसका प्रभाव माना जाता है, उसका असर रहता है। तो जो मीडिया चैनल जो सत्ता से प्रभावित होते हैं वो सत्ता के हिसाब से अपना एग्जिट पोल अब पेश करने लगे हैं। अभी कुछ सालों पहले तक तो थोड़ा वो भी मैनेज करके चलते थे कि ऐसा नहीं हो हमारे फेल हो जाए तो बाद में दर्शक हमारे हमको जवाब देना पड़ेगा, दर्शक हमारे चैनल के बारे में फिर गलत धारणा बनाएंगे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। सत्ता का प्रभाव है, पैसे का प्रभाव है और विज्ञापन का प्रभाव है। अभी हम देखें तो पूरे मीडिया चैनलों में करोड़ों रुपए के विज्ञापन सरकार की तरफ से चले हैं, सरकार की योजनाओं का बखान किया गया है उनके अंदर। तो कहीं ना कहीं सत्ता से प्रभावित होकर भी एग्जिट पोल के नतीजे हमारे सामने दिखाए जा रहे हैं। इसमें सत्यता तो अभी कहीं प्रतीत होती नहीं है। जो जनता का आक्रोश दिखा है, मतदाता जब वोट देकर आया है उसने न्यूज चैनल को क्या कहा है, और न्यूज चैनल से बात करने के बाद में जब वो अपने फ्रेंड सर्कल में जाता है वहाँ क्या बात करता है, दोनों की बातें कुछ अलग अलग होती है। तो मीडिया चैनल ने जो अभी जो एग्जिट पोल आपको दिखाए हैं, ये मेरे हिसाब से तो इस बार इसके परिणाम उलट होंगे। जी, आपने भी अपना मत स्पष्ट रखा है। मध्य प्रदेश की राजनीति से दूर हम हमारे आते हैं निमाड़ में। निमाड़ में 6 सीटें हैं और कद्दावर नेता यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी पूर्व कृषि राज्य मंत्री हैं, तो कांग्रेस की ओर से भी कृषि मंत्री सचिन यादव चुनाव लड़ रहे हैं। हम खरगोन की बात करें, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के रवि जोशी कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने सीधा मुकाबला है, कांटे की टक्कर कही जा रही है, पूर्व कृषि राज्य मंत्री बालकृष्ण पाटीदार। अनवर जी, क्या लगता है आपको? आपने कहा कड़ी टक्कर, तो आपने बताई दी कड़ी टक्कर है। अब इस कड़ी टक्कर के अंदर अगर देखा जाए तो एक जो व्यक्तिगत शैली होती है, भाषा होती है, वो नेता का प्रभाव जनता के ऊपर कितना है। अगर हम रवि जोशी जी की बात करें तो शहर का प्रत्येक मतदाता उनको बाय फेस जानता, बाय नेम जानता है, और ऐसा कभी लगा नहीं कि रवि जोशी अगर किसी से मिले हैं मतदाता से तो रवि जोशी उस मतदाता को जानते नहीं है। अगर वो पहली भी बार भी उससे मिल रहे हैं तो रवि जोशी जी बिल्कुल उसको गले लगाएंगे, उसके कंधे पे हाथ रखेंगे, और ऐसा प्रतीत होता है कि रवि जोशी उससे व्यक्तिगत जानते हैं। तो रवि जोशी जी की भाषा शैली है और जो उनका व्यवहार है वो कहीं ना कहीं उनको इस चुनाव में फायदा पहुंचाएगा। और हम बालकृष्ण पाटीदार जी की बात करें तो वो शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर जिनिंग में उनका आशियाना, वहीं रहते हैं वो, अगर मिलना हो तो वहीं पर जाना पड़ता है, और कई बार ये होता है मुलाकात हो नहीं पाती है, अपनी समस्या लेके वहाँ कैसे जाएं। तो ये बहुत मायने रखता है एक व्यवहार राजनेता का। तो विधायक जिस अभी जो अपने रवि जोशी थे, सहज थे, सरल थे, लोगों से मिलना जुलना था उनका और लोगों के दिलों में बसते हैं वो, ये हमने महसूस किया है। तो कहीं ना कहीं रवि जोशी के व्यवहार का इस चुनाव में उनको फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल, आपने स्पष्ट कहा है कि निपुण राजनीतिज्ञ के गुण जो दर्शाते हैं रवि जोशी, एक सरल नेता के रूप में जनता के सामने प्रस्तुत हुए हैं। वहीं बालकृष्ण पाटीदार जो शहर से दूर रहते हैं, कार्यकर्ताओं को मिलने में असहजता होती है, क्योंकि सुभाष यादव की एक लंबी राजनीति रही है हमारे पश्चिम निमाड़ क्षेत्र में, और उनके जो दोनों बेटे अरुण यादव और सचिन यादव निर्विवाद है, और उस निर्विवाद छवि को तोड़ पाना वाकई बहुत मुश्किल पड़ेगा इस चुनाव में भी, क्योंकि जो कसरावत के ठीक पास जो बुरावा है
वहां पर जो कॉलेज है, नहरों की जो योजनाएं है, इसके अलावा जो भी सुभाष यादव जी की कार्यकाल में सारी सुविधाएं पश्चिम निमाड़ क्षेत्र को मिली, उन्हें अभी तक भूल नहीं पाया है इस निमाड़ क्षेत्र का प्रत्येक व्यक्ति, वो चाहे ग्रामीण हो या शहरी हो। तो मेरा ख्याल है कि निश्चित रूप से सचिन यादव जी जो है इस विधानसभा में विजयी होंगे और निश्चित रूप से उन्हें जो कसरावद और आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्रों का प्यार मिलेगा। जी, ऐसी ही एक विधानसभा है भगवानपुरा, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ से भी कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं। केदार डावर पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे, इस बार कांग्रेस पार्टी ने उनको अपना उम्मीदवार बनाकर टिकट दिया है और यहाँ पर भी एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से युवा चेहरे और संघ से जुड़ा हुआ नाम कह सकते हैं चंद्र सिंह वास्कले के बीच एक मुकाबला है। अनवर जी, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में बीजेपी की एक मजबूत पकड़ कही जा रही है। कहते हैं कि लाडली बहना जो योजना चलाई जा रही है, इसका सीधा पैसा जो खातों में डलता है और जो गरीब तबका है, जो आदिवासी बाहुल्य है, उनको डायरेक्ट यदि पैसा एक छोटी सी रकम भी आती है तो एक उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट लगता है कि यार चलो ये बहुत बड़ी धनराशि है, 1,000 रुपये, 1,250 रुपये, 1,500 रुपये आ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको इस सीट पर क्या होगा? भगवानपुरा सीट की हम बात करें तो वो भगवानपुरा का जो एरिया है वो चीड़ा भाई डावर के नाम से पहचाना जाता है जी, और चीड़ा भाई केदार भाई के जो पिताजी थे वो वहाँ के आदिवासियों के मन में बसे हुए थे। चीड़ा भाई डावर की एक छवि थी, उनकी मिलनसारिता थी और कहीं ना कहीं केदार जी डावर को जो फायदा मिला है, पिछली बार टिकट कांग्रेस से नहीं मिला, वो निर्दलीय चुनाव लड़े, चुनाव जीते, तो वो उनके पिताजी के जो अच्छे काम किए हुए थे, जो लोगों के दिलों में बसे हुए थे, उसका परिणाम था कि केदार जी चुनाव जीते। और चुनाव जीतने के बाद में जब निर्दलीय चुनाव जीते तो अभी लगातार 5 साल उनकी सक्रियता बनी रही मतदाताओं के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में। और चंद्र वास्कले जी की बात करें तो जो युवा चेहरे हैं, नया चेहरा है, और वास्कले जी के वो अभी कार्यकर्ताओं का भी उतना सहयोग जो मिलना था वो ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि मिला है, लेकिन केदार जी के पास में कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज है जो समर्पित है, निष्ठावान है, वो उन्होंने उनके लिए कार्य किया है। और केदार जी अपनी मिलनसारिता से, अपने कार्यशैली से मतदाताओं से जुड़े हुए हैं और पिताजी के कामों का फायदा भी उनको मिला है और उनकी भी एक छवि बनी है, तो कहीं ना कहीं उनको भी चुनाव के अंदर फायदा मिलने वाला है। जी बिल्कुल, आपने कहा कि दोनों प्रत्याशियों को आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की जो भगवानपुरा विधानसभा है वहां दोनों प्रत्याशियों को फायदा मिलेगा, लेकिन फिर भी आपका मत है कि केदार डावर इस कड़े मुकाबले में अपनी सीट को निकाल ले जाएंगे, ऐसा आपका मानना है। संतोष जी, आपने कसरावद विधानसभा क्षेत्र की सीट का विश्लेषण किया, आपने खरगोन की सीट का विश्लेषण करा, आपने स्पष्ट तौर पर कहा कि कौन से प्रत्याशी विजय होने वाले हैं और एग्जिट पोल पर भी आपका जो सटीक अनुमान था वो अगले कुछ घंटों में आगे हमको पता पड़ जाएगा कि क्या होगा। हम चलते हैं, एक और ऐसी सीट है हमारे पास, महेश्वर विधानसभा। महेश्वर विधानसभा में भी कह सकते हैं कि कड़ा मुकाबला है। कड़ा मुकाबला हम इसलिए कहते हैं कि डॉक्टर विजयलक्ष्मी शादो वहां से कांग्रेस की पूर्व मंत्री रही है कांग्रेस सरकार में और लंबे समय से उस क्षेत्र में चुनाव जीतती आ रही है, लेकिन पिछले चुनाव में राजकुमार मेओ निर्दलीय चुनाव लड़े थे और एक बड़ी संख्या में उन्होंने मत प्राप्त किए थे, तो आज उन्हीं को, राजकुमार मेओ को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया और चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया है। अब चूंकि कुछ ही समय बाद ये फैसला होगा, निर्णय आ जाएगा इस विधानसभा पर, संतोष जी आपकी क्या राय है? विजयलक्ष्मी जी साधो हैं, जो इतने वर्षों से मंत्री रही हैं, विधायक रही हैं, उनका प्रभाव महेश्वर क्षेत्र में बहुत ज्यादा है और उनकी जो सरलता और सहजता, उसका बहुत फर्क पड़ता है मतदाताओं पे। और भारतीय जनता पार्टी की जो पूरे मध्य प्रदेश की जो राजनीति और उनके जो नेताओं का अहंकार, जैसा कि
कर्नाटक में आखिरी दम तक हमें ऐसा लग रहा था कि शायद भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी, किंतु जब भारतीय जनता पार्टी ने वहां की सत्ता छोड़ी और मैंने कर्नाटक के एक प्रोफेसर से बात की और जब मैंने पूछा कि आपने मुझे पहले बोला था कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठेगी और बाद में जो सत्ता परिवर्तन हो गया उसका क्या कारण रहा, तो उनका ये जवाब था कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता अहंकार से भर गए हैं, अब यही बात महेश्वर विधानसभा पे भी लागू होती है। विजय लक्ष्मी साधो की जो सरलता, सहजता, सबसे बात करना और महेश्वर से जुड़े रहना, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव मतदाताओं पर रहेगा। और इसके पहले का भी जो उनका कार्यकाल निर्विवाद रहा है, तो मेरा जहां तक ख्याल है कि राजकुमार मेयो को नुकसान जो उनकी खुद की छवि के अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी की जो छवि पिछले 18 और 20 सालों के बारे में जो चर्चा हो रही है पूरे मध्य प्रदेश में, तो उसलिए उनका जो मत जो है कट कर विजय लक्ष्मी साधो में जाएगा और निश्चित रूप से यह सीट भी भारतीय जनता पार्टी के हाथों से चली जाएगी। जी बिल्कुल, बड़ी बात कही आपने। एक राजनीतिक तौर पर एक बात हमेशा सामने आती है, लंबे समय से आप की नजर भी राजनीतिक पार्टियों पर, राजनीतिक दलों पर रहती है और मीडिया समूह की भी रहती है। पहले राजनीति में एक ट्रेड चलता था, किसान, मजदूर, कामगार, व्यापारी और आम आदमी। लेकिन आज का राजनीतिक ट्रेड बिल्कुल बदल चुका है। धर्म इस राजनीतिक माहौल में बड़ा फैक्टर साबित होता है। क्या धर्म के नाम पर पड़ने वाले वोट भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे या फायदा पहुंचाएंगे, क्या है आपकी राय? संतोष जी, धर्म का एक समय तक माहौल था बाकी, किंतु इस बार के जो चुनाव हुए 2023 के, लोगों ने देख लिया कि जो मस्तक पर टीका लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, जय जय सहराम बोलते हैं, वे भी भ्रष्टाचार करते हैं। जबकि धर्म ये कहता है, हमारी जो रामचरितमानस के जो तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो धर्म केवल सत्य है, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। जब लोगों ने देखा कि जिस भारतीय जनता पार्टी को हम धर्म की सबसे अच्छी पार्टी मानते थे, ये भगवान को मानने वाले हैं, ये हमारे हिंदू और सनातन संस्कृत को बढ़ाने वाले हैं, किंतु जब उन्हीं के बारे में जब उन्हें मालूम पड़ा कि ये पार्टी के लोग भी वही कर रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी ने किया, भ्रष्टाचार, तो उनका जो एक जो प्रेम था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, वो प्रेम खत्म हो गया। क्यों? कि जब कोई एक भक्त या कोई एक सज्जन आदमी या ईश्वर से जुड़ा हुआ आदमी भी गलत काम करे तो उस चीज को आम नागरिक पसंद नहीं करता था और मतदाता ने निश्चित रूप से धर्म के नाम से इस बार वोट नहीं दिया है। इसके अलावा जब जब भी बात आई धर्म की और भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की कि ये बताने की कि हम ही पूरे देश में धर्म को चलाने वाले हैं, वो भी अहंकार जो है देखा मतदाताओं ने खुद कि क्या आप ही धर्म के ठेकेदार हो या आप ही पूरे देश और विश्व को धर्म की शिक्षा दोगे, क्या कांग्रेस में ऐसे लोग नहीं है? इंदिरा गांधी भी रुद्राक्ष की माला पहनती थी साहब, इंदिरा गांधी भी गुरु को मानती थी, कांग्रेस में भी कई लोग जो रहे जिन्होंने धर्म और गुरुओं को माना है, ईश्वर को माना है, किंतु बात मार्केटिंग की है साहब। मार्केटिंग इस कदर की गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और मीडिया के द्वारा कि आम देशवासियों को लगने लगा है कि पूरा धर्म का जो दारोमदार एक ही पार्टी पे आ चुका है। किंतु इस बीच जो बुद्धिजीवी वर्ग था वो इनकी सारी बातों को समझ गया कि धर्म, अच्छा एक बात आपने ध्यान रखना साहब, यदि आप धर्म को पकड़ते हो और धर्म के नियम को नहीं फॉलो करते हो तो निश्चित रूप से जनता आपके विरोध में हो जाएगी। यदि आप धर्म को मानते हो, यदि अपने आप को धार्मिक, यदि आप अपने आप को सनातनी, हिंदू संस्कृति, ये सारी बातें कहते हो और उसको जीवन में आचरण नहीं करते हो तो निश्चित रूप से उसका जो है माइनस पॉइंट पार्टी के लिए गया है। और इस बार आप 2023 में और आगामी लोकसभा चुनाव में भी ये सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी कि जो धर्म वाला जो विषय है वो राजनीति से छिटक के रह जाएगा, मतदाता अपने विवेक और बुद्धि से ही वोट देगा। जी, अगले चुनाव तक आपने धर्म को कहां से कहां, कितना फायदा और कितना नुकसान होगा पार्टियों का धर्म से, इस चीज को इंकित किया है। अनवर जी, एक सवाल आपसे मैं करना चाहूंगा। हम अभी देख रहे वैश्विक परिस्थितियों को यदि हम देखें, पूरी दुनिया में कुछ न कुछ बड़ी हलचल होती रहती है, कहीं युद्ध हो रहे हैं,
तो कहीं व्यापारिक संबंधों में एक दूसरे देश एक दूसरे से चिटक रहे हैं, चीड़ रहे हैं, तो क्या वर्ल्ड वाइज जो प्रतिक्रिया है उसका प्रभाव मध्य प्रदेश के इस चुनाव में पड़ेगा? पवन जी, मेरा मानना है कि उसका प्रभाव तो बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है मध्य प्रदेश की राजनीति पर। वो अगर लोकसभा चुनाव होता, लोकसभा के परिणाम आने वाले होते तो अपन उस पर बात करते। ये मध्य प्रदेश का चुनाव है, यहाँ लोग अपने जिले के विकास की बात करेंगे, अपने विधानसभा के विकास की बात करेंगे। तो मेरा तो ये मानना है कि ऐसे मतदाताओं का ध्यान तो विधानसभा चुनाव में विश्व पटल पर कभी नहीं जाएगा, वो स्थानीय स्तर के मुद्दों पर ही अपनी वोटिंग करते हैं। पवन जी, जी बिल्कुल आपने स्पष्ट कहा। और आज के हमारे कार्यक्रम में आप पधारे हमारे दोनों मेहमानों का शुक्रिया। हमारा यह कार्यक्रम फैसला हम करेंगे में दोनों महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।